दादी में लेके जाऊंगा अपनी। सेहरा भी है और बाराती भी। लेकिन अपनी दुल्हनिया को लेने दूल्हा डोली या कार लेकर नहीं आया, ऑटो रिक्शा पर निकली है अहम की बारात। आओ आओ आओ, राती में लेके जाऊंगा अपनी। सीरियल साथिया का ये दूल्हा बड़ा बेकरार, खुद थाम ली है उसने ऑटो की कमान। साथ में मीरा बिटिया भी है विराजमान। क्यों रह गए ना आप हैरान, आखिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले राजकोट के इस रईस मोदी परिवार को ये क्या हुआ भाई? ये महंगाई का डंक है या कुछ और? मोदी परिवार के पास बहुत पैसे, इसलिए हम रिक्शा में जा रहे हैं, चार पांच रिक्शा करवा के कुछ नया करना चाहते हैं। गाड़ियों वो देखो ना, आगे बारातियों के लिए लगी है। हाँ? जो फैमिली वो हमारी रिक्शा में जाएगी, ऑटो रिक्शा। ये शादी अपने आप में वो अलग थॉट है। जी हाँ, जब गोपी अहम ने ब्याह रचाया था तो उनके मम्मी पापा साथ नहीं थे, तो उनकी खातिर अहम फिर बने हैं दूल्हा, और गोपी संग उनका ये पुनर्विवाह है बड़ा ही अलबेला। शादी में बारात तो भाई लड़की के घर जाती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो दुल्हन के मायके से बारात गोपी के ससुराल मोदी भवन जाएगी। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी शादियाँ 3 साल पहले हो चुकी हैं, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि गोपी के मॉम डैड देख सके। सो वी वांटेड टू बी वेरी सिंपल, बाकी मुझे अगर नाचने का मौका मिले और मैं छोड़ दूं ऐसा कैसे हो सकता है? सो अनफॉर्चुनेटली बड़ों ने वो मौका आने ही नहीं दिया कि मैं नाचूं। वही नाचने का मौका भी मिलेगा, अभी तो बैंड बाजा बारात का तामझाम शुरू ही हुआ है, जिसे देखकर मीरा खूब एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट शादी की हर किसी को होती है, लेकिन ये हमारे नए मेहमान को ज्यादा होनी चाहिए, है ना? नहीं है? है, एक्साइटेड है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ एक्साइटेड है। नहीं, अच्छा बिंदी निकाल दूँ? अच्छा, अब है, अब है, अब एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट तो अहम की बढ़ती जा रही है गोपी को फिर सुर्ख जोड़े में देखने के लिए। जनाब ने सुनहरी शेरवानी और पगड़ी क्या सजाई, शादी के लड्डू मन में फिर से फूटने लगे। 1000% लाल में होगी, वो लाल बन के आएगी। 4 साल पुरानी से पगड़ी है ये जो आप देख रहे हैं, इसकी और मेरी 4 साल पुरानी है, ये पुरानी मेरी नहीं है। इसका सब नया ही है भाई। साथिया की अजब गजब बारात का ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो तब दिखेगी जब गाजे बाजे के साथ बारात मोदी हाउस पहुंचेगी। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई आज तक।